सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो उसी को लेके आज का वीडियो है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, बेबी का क्या चेंजेस आता है, आप में क्या चेंजेस आता है, कौन सा टेस्ट होता है, क्या इंजेक्शन लगता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे अच्छा बात क्या है बताओ, सबसे अच्छा बात है कि हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनभी विद मामा। और आप सब कैसे हैं, आई होप सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है रिंकी, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं उनको पता नहीं होगा कि मेरे चार मिसकैरेज के बाद, मतलब चार मिसकैरेज लेकिन पांच बेबी मिसकैरेज हुआ था, वो कैसे वो आपको मेरे वीडियोस देखने से पता चल जाएगा। तो मिसकैरेज होने के बाद मेरा IVF थ्रू मेरा प्रेगनेंसी हुआ और मेरा बेबी हुआ। तो मेरा 11 ईयर्स बाद मेरा बेबी हुआ है IVF थ्रू, और उसी का जो एक्सपीरियंस है मेरा मिसकैरेज को लेके या फिर प्रेगनेंसी को लेके या फिर IVF को लेके, तो वही सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आपको मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएगा, मिसकैरेज के बाद क्या करना है, नहीं करना है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, IVF से रिलेटेड। और लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था कि IVF प्रेगनेंसी में 1 से 3 मंथ, मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारा कुछ मैंने शेयर किया था। और उसी का मैंने बोला था कि सीरीज बनाऊंगी मैं इसका। तो अभी नेक्स्ट जो है सेकंड ट्राइमेस्टर, तो उसी को लेके आज का वीडियो है। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, बेबी का क्या चेंजेस आता है, आप में क्या चेंजेस आता है, कौन सा टेस्ट होता है, क्या इंजेक्शन लगता है, ये सारा कुछ मैं डिटेल्स में शेयर करूंगी। और मेरा क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था या मैंने क्या क्या किया था मेरे ये जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, मतलब 4, 5 और 6 मंथ में, तो ये सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ आज डिटेल्स में शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो में कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड और फैमिली में, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो आगे भी मैं ऐसे ही प्रेगनेंसी रिलेटेड और भी वीडियोस लेके आऊँगी, और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ को बोला जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और ये 13 वीक तक ही आपका ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है। उसके बाद आपका फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ और सिक्स मंथ को बोला जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। इस सेकेंड ट्राइमेस्टर आपको चलता है 14 वीक से 27 वीक तक ये चलता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। और डॉक्टरी लैंग्वेज में आप बोलो तो डॉक्टर वीक्स के हिसाब से आपकी मंथ कैलकुलेट करते हैं, ना कि मंथ के हिसाब से। आपको वीक्स ही याद रखना पड़ता है। ज़्यादातर मेरे प्रेगनेंसी का मैंने देखा है तो डॉक्टर वीक्स ही लिखते हैं, मंथ्स नहीं लिखते हैं, लेकिन हम अच्छे से याद रख पाए इसलिए हम मंथ ही कैलकुलेट करते हैं। तो जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स मंथ है, इसको बोला जाता है सेकंड ट्राइमेस्टर। और ये सेकंड ट्राइमेस्टर जो है, ये है सबसे अच्छा, मतलब ट्राइमेस्टर बोलो या ये सबसे अच्छा प्रेगनेंसी ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स मंथ में जाता है। क्योंकि देखो, थर्ड मंथ तक आपका जो वॉमिटिंग वगैरह, नौजिया, वॉमिटिंग, ये सब चलता रहता है बहुतों का। मेरा नहीं हुआ था, मेरा प्रेगनेंसी में कुछ भी सिम्टम्स वगैरह नहीं था, ना उल्टी, ना कुछ भी नहीं था, और बहुतों का होता है। लेकिन ये 3 मंथ कंप्लीट होते होते ये सारा खत्म हो जाता है, मतलब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स मंथ में ये सारा प्रॉब्लम आपका कुछ नहीं होता है। एक तरफ से देखा जाए तो ये फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स मंथ में कुछ भी प्रॉब्लम ऐसे नहीं रहता है। ये मंथ में आपका बेबी का जो ऑर्गन है वो अच्छे से डेवलप होता है, फिंगर्स बनना चालू हो जाता है, मतलब बेबी का सारा बॉडी का जो ऑर्गन्स होता है, जो बॉडी पार्ट्स होता है, वो अच्छे से डेवलप होता है। और ये सेकंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होते होते बेबी का वेट भी बढ़ जाता है, करीब 1 kg तक हो जाता है, और आपका भी वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है 1 से 3 मंथ तक, इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उतना वेट गेन होता नहीं है, बहुतों का वेट लूज ही होता है। लेकिन ये थर्ड मंथ के बाद, जो फोर्थ मंथ से, आपका वेट गेन शुरू हो जाता है, क्योंकि बेबी का भी वेट गेन होता है। अंदर जो छोटा सा बेबी रहता है, जो एम्ब्रियो रहता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो बेबी का भी वेट बढ़ता है, आपका भी वेट बढ़ता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो बेबी के आसपास जो पानी रहता है, वो ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो इसलिए आपका भी वेट तब से बढ़ता है। अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट नहीं बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चिंता नहीं करने का, टेंशन नहीं करने का। आपका जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में, इसमें आपका देखना है कि आपका वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा है तो आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो ज़रूर डॉक्टर से पूछिए कि मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है। ये जो सेकेंड
सेकेंड ट्राइमेस्टर है ना, इसी में आपका जो टमी है, जो बेबी का बेबी बम्प होता है, ये थोड़ा थोड़ा बाहर निकल के आता है। ऐसे होता है कि मन में कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, अभी तक मेरा पेट नहीं निकला है, पेट नहीं निकला है, कब निकलेगा कब निकलेगा, ऐसा लगता है। लेकिन ये डरने की कोई बात नहीं है, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है तभी से आपका जो बेबी बम्प है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि बेबी भी बड़ा होता है ना, तो तभी से आपका पेट भी बाहर आना स्टार्ट होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे अच्छा बात क्या है बताओ? सबसे अच्छा बात है कि ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, जो फिफ्थ मंथ है, इस फिफ्थ मंथ से आपका बेबी का जो मूवमेंट है वो आप फील कर सकते हो। किसी किसी को फिफ्थ मंथ के स्टार्टिंग से ही बेबी का फील मूवमेंट फील होने लगता है, किसी को लास्ट में से शुरू होता है, किसी को सिक्स मंथ के स्टार्टिंग से ही बेबी का मूवमेंट फील होता है। मेरा पर्सनली मेरा फिफ्थ मंथ के लास्ट से मेरा बेबी का जो मूवमेंट था वो मुझे फील हुआ था। पहली जो फर्स्ट प्रेगनेंसी जिनका है उनको थोड़ा मतलब समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि बेबी का मूवमेंट कैसे होता है, अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो उनको एक बात बता दूं, जैसे हमारे पेट में अगर गैस होता है तो गैस कैसे घूमता है, लगता है ना कि गैस घूम रहा है, सेम उसी टाइप का आपका लगेगा कि मैं बेबी तो नहीं मूव कर रहा है, गैस ही घूम रहा है, ऐसे लगेगा। लेकिन नहीं, फिफ्थ मंथ के आप लास्ट से आप थोड़ा ध्यान से देखना कि आपका बेबी मूव कर रहा है, गैस नहीं है। गैस होगा तो आपको पता चल जाएगा ना कि मेरा गैस बना है कि नहीं बना है, लेकिन वो गैस नहीं होता है, वो बेबी का मूवमेंट फील होता है। और ये सबसे अच्छा जो फीलिंग है ना, ये सबसे अच्छा है। और ये जो फिफ्थ मंथ है इसमें आपका सबसे अच्छा और सबसे बड़ा एक सोनोग्राफी होता है, यूएससी होता है, उसको बोला जाता है एनिमली स्कैन, जो 90 वीक्स या फिर 20 वीक्स पे होता है, जो फिफ्थ मंथ में होता है। इसमें बेबी का पूरा हेड टू टो तक देखा जाता है, बेबी का ऑर्गन वगैरह सब कुछ ठीक है नहीं है, बेबी अच्छे से ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, इसी टाइम वो देखा जाता है। अगर उसको थोड़ा टाइम लेके भी वो यूएसजी करते हैं, एक बार आगे का देखते हैं, एक बार पीछे का देखते हैं, ऐसे करके वो एनिमली स्कैन होता है। और उसमें अगर कोई भी दिक्कत आता है तो अर्ली प्रेगनेंसी में उसको अगर मेडिसिन देके ठीक किया जा सकता है तो करते हैं डॉक्टर, नहीं तो अबॉर्ट भी करना पड़ता है बहुतों का। अगर बेबी अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, बेबी का ऑर्गन अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आपका अबॉर्शन भी करा सकते हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ये जो फिफ्थ मंथ का जो एनिमली स्कैन है ये जरूर से ज़रूर आप करवा लीजिएगा, जब डॉक्टर बोलेंगे तो करवा लीजिएगा। और ये जो सेकंड ट्राइमेस्टर है इसी में आपका जो टीटी का इंजेक्शन है वो भी लगता है, तो अगर डॉक्टर ने इंजेक्शन लिखा है तो वो भी लगा लीजिएगा। ये जो बोलते हैं ना, ये जो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स मंथ है ना, इसको मतलब ये प्रेगनेंसी का सबसे अच्छा ये मंथ होता है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं शुरू होता है। लेकिन सिक्स मंथ के लास्ट से आपका प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा शुरू होने लगता है, जो कि मुझे हुआ था। सबको ही ऐसा होता है नहीं, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ को फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स मंथ, ये तीनों मंथ अच्छे से प्रेगनेंसी को इंजॉय करते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम नहीं रहता है। जो प्रॉब्लम रहता है वो थ्री मंथ तक होता है, जो वॉमिटिंग वगैरह वो होता है, और फिर बाद में सिक्स मंथ के बाद आपका जो कॉन्स्टिपेशन है या फिर जो गैस वगैरह, जो गला जलने वाला, जो हार्ट बर्न होता है, वो सारा चालू हो जाता है सेवन मंथ से। लेकिन जो ये फोर्थ फिफ्थ से सिक्स मंथ है इसमें ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप ये सेकंड ट्राइमेस्टर में भी ट्रैवल कर सकते हैं, ज़्यादा दूर का नहीं तो ठीक है, लेकिन शॉर्ट ट्रिप अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। थर्ड मंथ तक नहीं करना चाहिए, जो अर्ली प्रेगनेंसी है उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए थर्ड मंथ के बाद जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें अगर आपको घूमना है, बाहर थोड़ा निकलना है, तो वो आप कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खान पान की बात करें तो मैं आपको बोला था कि आफ्टर ईटी थर्ड मंथ तक कोई भी नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो। लेकिन ये फोर्थ मंथ से आप थोड़ा थोड़ा करके नॉन वेज खा सकते हो, लेकिन जो एग होता है, एग का जो एग योक होता है अंदर का, वो नहीं खाइए। जो वाइट पोर्शन है वो खाइए, चिकन एक दो पीस खाइए, फिश अगर खाना है तो फिश भी एक दो पीस खाइए, ज़्यादा नहीं। लेकिन आप ये फोर्थ मंथ से आपको नॉन वेज अगर लेना है तो आप ले सकते हो। और खाना मैंने बोला है हर टाइम आपको हेल्दी खाना चाहिए, और बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर बाहर का कुछ खाने का मन करे तो आप घर में बना लीजिए, या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होता है तो थोड़ा बहुत आप बाहर का ले लीजिए, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल ही मत खाइए कि चलो एक दिन तो खा लिया, कुछ नहीं हुआ और एक दिन खा लेते, ऐसा मत कीजिए। आपकी बेबी की सवाल है ना, आप इतना मुश्किल से अगर आप प्रेग्नेंट हुए हो तो और कुछ दिन वेट कर लो, बेबी हो जाने के बाद तब आप खा लेना अगर बाहर का कुछ खाने का मन करे तो। लेकिन बाहर का मत खाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिक्विड लेना है, जैसे पानी, नारियल पानी, जूस, फ्रेश जूस जो घर का बना हुआ था है,
वो लीजिए, फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, जितना भी जो सीजनल फ्रूट होता है वो लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि पाइनएप्पल और पपैया मत लीजिए, तो वो ना लीजिए, उसके अलावा भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं तो वो लीजिए। और ये फोर्थ मंथ से आप ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा बहुत चालू कर सकते हैं, और आप दही खा सकते हैं। दही खाने से आपका ऐसे तो प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा होता है दही खाने का, और ऊपर से आपका जो सिक्स मंथ के लास्ट में जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होता है वो थोड़ा थोड़ा करके आपका मतलब कम होगा, कि कॉन्स्टिपेशन उतना जल्दी नहीं होगा, तो आप दही ले सकते हो। खाने में आप और एक चीज़ ले सकते हो, अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपका चालू हो गया है या फिर हो रहा है तो आप बनाना ले सकते हो। अगर आपका शुगर का प्रॉब्लम नहीं है या फिर कोई सर्दी जुकाम वाला प्रॉब्लम नहीं है तो आप ज़रूर बनाना ले सकते हैं, तो इससे भी कॉन्स्टिपेशन में थोड़ा बहुत राहत मिलता है। डेयरी प्रोडक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। अगर किसी को दूध से या दूध की स्मेल से अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप दही ले लो या फिर उसको पनीर बना के खाओ, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट ज़रूर से ज़रूर आप लेने की कोशिश कीजिए। एक्सरसाइज का बोले तो आप थोड़ा बहुत वॉकिंग कर सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला है कि आईवीएफ का प्रेगनेंसी है, इसके मतलब ये नहीं है कि आप बेड रेस्ट में चले जाओगे। अगर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि बेड रेस्ट में रहना है तो ज़रूर आप बेड रेस्ट कीजिए, लेकिन अगर डॉक्टर ने नहीं बोला है तो बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लाइट वॉकिंग कर सकते हो, अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो फ्री हैंड एक्सरसाइज जो होता है वो थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप वॉकिंग कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करने की चाह है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको एक्सरसाइज जैसे बैठ के झाड़ू पोछा ये सब करना, तो ये सब आप कर सकते हो। लेकिन ये बात मैं ज़रूर से आपको बोलूँगी कि अगर डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बोला है या फिर एक्सरसाइज मना किया है तो मत कीजिए, लेकिन अगर आपका प्रेगनेंसी अच्छा है, हेल्दी प्रेगनेंसी है, तो आप ज़रूर से वॉकिंग कीजिए, थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज है या फिर घर का जो काम है वो आप ज़रूर कर सकते हैं, कोई मना नहीं है इसमें। और जो मेडिसिन वगैरह है वो टाइम से टाइम लीजिए, और जो आपका प्रोजेस्टेरोन वगैरह जो चलता आ रहा था 3 मंथ तक, वो 3 मंथ के बाद वो बंद हो जाएगा। अगर आपको जो पॉलीप्रिन रिपोर्ट होता है वो इंजेक्शन अगर देता है तो वो आपका 8 मंथ तक चलेगा, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन वगैरह इंजेक्शन जो सस्टेन जेल वगैरह होता है वो सारा बंद हो जाएगा। और आपको आयरन कैल्शियम ये सारा मेडिसिन चालू हो जाएगा, तो आयरन कैल्शियम ज़रूर से लीजिए। आयरन से बहुत का होता है, जैसे मेरा भी होता था थोड़ा कम, जो कब्ज़ है, जो कंस्टिपेशन है वो हो जाता है, लेकिन डॉक्टर ने बोला था मुझे अगर आप पत्तेदार सब्जी खा रहे हो, ज़्यादातर साग खा रहे हो, तो एक दिन बाद एक दिन आप आयरन ले सकते हो, मतलब एक दिन स्किप कर सकते हो बीच में। अगर आप ज़्यादातर ज़्यादा पत्तेदार सब्जी जैसे साग वगैरह खाते हो तो ज़रूर से आप एक दिन स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपका साग वगैरह कम खाना हो रहा है, नहीं खाते हो, तो ज़रूर आप मेडिसिन टाइम टू टाइम डेली का डेली लीजिए। ये जो सेकंड ट्राइमेस्टर है इसी में आपका जो सर्विकल सर्कलेज है, जिनको सर्विकल सर्कलेज लगने वाला है तो इनको सर्विकल सर्कलेज भी ये सेकंड ट्राइमेस्टर में ही लगता है। ज़्यादातर आपका 16 वीक्स पे ये सर्कलेज लगता है। इसी सेकंड ट्राइमेस्टर में आपका ज़्यादा यूरिनेशन भी होगा, बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा आपको, और इससे आपका इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपका वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम भी हो सकता है। जिनका सर्विकल सर्कलेज हो रहा है उनको बता दूँ, उनके सर्विकल सर्कलेज होने के बाद वाइट डिस्चार्ज चालू हो जाएगा या फिर हो सकता है, जैसे कि मेरा हुआ था। तो ये वाइट डिस्चार्ज आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें ना इचिंग हो ना स्मेल आए। अगर आपको इचिंग हो रहा है प्राइवेट पार्ट पे या फिर स्मेल आ रहा है तो आप ज़रूर डॉक्टर से जल्दी कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि ये आपका इन्फेक्शनल वाइट डिस्चार्ज है, जो कि ये धीरे धीरे यूट्रस तक जाएगा तो बेबी का नुकसान है। अगर ये वाइट डिस्चार्ज में कोई भी स्मेल नहीं है, कोई भी इचिंग नहीं है प्राइवेट पार्ट पे, या फिर जो वाइट डिस्चार्ज है ये ना ग्रीनिश यूलिस है, तो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है, ये वाइट डिस्चार्ज अच्छा है। इसमें क्या होता है कि बाहर का जो इन्फेक्शन है वो बेबी तक पहुंचने नहीं देगा, लेकिन ये जो बार बार टॉयलेट जाने के लिए अगर किसी को बिना सर्विकल सर्कलेज के वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और इचिंग हो रहा है और स्मेल भी बहुत आ रहा है, तो इसमें ज़रूर आपका डॉक्टर से विजिट कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और मेडिसिन लीजिए, क्योंकि ये आपका डेफिनेटली ये इन्फेक्शनल वाइट डिस्चार्ज है, तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और सर्विकल सर्कलेज अगर किसी को होने वाला है तो मैंने सर्विकल सर्कलेज को लेके मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया है ऑलरेडी, तो वो आप चेक कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और मेरा ये सेकंड ट्राइमेस्टर कैसा गया था, मैं तो बीच बीच में बोल ही दिया कि मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर कैसा गया था या क्या क्या हुआ था, तो ज़रूर मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर में मेरा बेबी का जो
मोमेंट है वो मुझे फील हुआ था 5th मंथ के लास्ट से, और मेरा 19 वीक्स पे ही मेरा एनिमल स्कैन हुआ था। मेरा एनिमल स्कैन दो बार हुआ था, एक बार मेरे फौज से हुआ था, क्योंकि आप सबको शायद पता नहीं होगा, जो नए व्यूअर्स हैं उनको पता नहीं होगा मेरे हस्बैंड आर्मी में है, तो एक बार आर्मी में मेरा वो जो एनिमल स्कैन है वो हुआ था, और एक बार मैंने सिविल से करवाया था। तो मेरा दो बार एनिमल स्कैन हुआ था, एक 19 वीक पे हुआ था, एक 20 वीक पे हुआ था। तो मेरा सारा कुछ ये जो स्कैन वगैरह रिपोर्ट था ये सारा कुछ ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं था। और ये टीटी वाला इंजेक्शन भी लगा था मुझे, और ये 6 मंथ के लास्ट से ही मेरा कॉन्स्टिपेशन चालू हो गया था। इतना मैं दही लिया, इतना कुछ लिया, फिर भी मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था। लेकिन ये है कि कॉन्स्टिपेशन चालू हो गया था, और डॉक्टर आपको ऐसे ही दूसरा कोई मेडिसिन भी नहीं देते हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है वही देते हैं, लेकिन बाहर का कोई नहीं देते है, कुछ भी नहीं देते हैं। तो आपको जो फाइबर वाला खाना है इसी से आपको जो घर का उपचार है वही करना पड़ेगा, बाहर का कोई मेडिसिन वगैरह नहीं देंगे। तो ऐसा ही होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो ये था सेकंड ट्राइमेस्टर की जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ था वो। नेक्स्ट मैं थर्ड ट्राइमेस्टर को लेके आऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और कितना हेल्प हुआ ये ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड और फैमिली में, और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और एक बात इधर मैं बताना चाहूँगी, जो नए व्यूअर्स है या फिर जो मेरे पुराने व्यूअर्स है, सारे से ही मैं बोल रही हूँ कि देखो मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों की मदद करने के लिए, कि थोड़ा बहुत आपको हेल्प हो जाए, कि मेरे जैसा प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो, या फिर मैंने जो भी प्रॉब्लम फेस किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं वीडियो नॉर्मली ऐसे ही बनाती हूँ, अभी पता नहीं वीडियो कैसा बनता है कि नहीं बनता है, सबके नज़र में तो मतलब एक जैसा नहीं होता है, मेरे लिए मेरा वीडियो अच्छा है तो सबके लिए अच्छा नहीं होगा। तो प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट है मेरा एक कि आप लोग प्लीज़ कॉमेंट कीजिए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, अच्छा लगता है नहीं लगता है, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, ये प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा बहुत आप लोग ये थोड़ा मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मुझे और भी आगे जो मैं वीडियो लेके आऊँगी तो मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए वो थोड़ा मुझे हेल्प करेगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और ये वीडियो तो इतना ही रहा, और नेक्स्ट मैं लेके आऊँगी और एक वीडियो। तो तब तक स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, मैं सारे वीडियोज़ में यही बोलती हूँ। तो नेक्स्ट मिलेंगे और एक वीडियो में, तब तक बाय।